अल्हम्दुलिल्लाह जी, मिट्टी की खुदाई की जा रही है ताकि आसानी से लहसुन लग जाए और जो टेवे वगैरह है वो जी बड़ीक हो जाए जी। चेक करो जी, खालू गोडी सही तरह पानी ठीक आ, सुट खालू गंढी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ वीडियो को लाइक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैं साइकिल पर जा रहा हूँ जी खेतों में लहसुन लगाने के लिए। कल मैंने जी आपको एक खेत दिखाया था जो गाँव के पास था जी, जिस खेत में जी खालू जी ने खुदाई की थी और मैंने जी हल वगैरह डाला था, उधर भी लहसुन लगाना। लेकिन एक गाँव के जो दूर खेत है उधर भी हम लोगों ने लहसुन लगाना, तो सुबह के जी सारे घर वाले जी लहसुन लगाने के लिए चले गया। तो अभी मैं जी खाना वगैरह खा के तो मैं भी उनकी तरफ जा रहा जी लहसुन लगाने के लिए। तो अभी खेत में जाके आपको दिखाते हैं कि लहसुन जी कैसे लगाते हैं, कितना लहसुन लगाना और कौन सा खेत है जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, सूरज काफ़ी तेज़ निकल आया तो मैं साइकिल पर अल्हम्दुलिल्लाह जी जा रहा हूँ अभी खेत में पहुँच के। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को, दिखाते हैं कि किस तरह जी लहसुन लगाते हैं। अभी सिर्फ जी साइकिल की ड्राइव हो रही है, वर्जिश हो रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी खेतों में मैं पहुंच चुका हूं और अभी आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह जी लहसुन लगाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि ये कतारों की सूरत में लहसुन लगाया हुआ। ये देखो जी, ये भी है, ये भी, ये सारा जी कतारों की सूरत में जी लहसुन लगाते हैं जी। ये जी लकड़ी की मदद से सबसे पहला जी ये गली बनानी, ये चेक करो, ये देखो जी कतार की सूरत में। और फिर उसके बाद जी ये लहसुन पकड़ना और इस तरह जी लगाते जाना, ये चेक करो। माशाल्लाह तू लांदा लहसुन है? आहो, इस खेत में भी आप लोग देख सकते हैं कि हैल वगैरह डाला हुआ। ये सामने दादा जान खुदाई कर रही है इस खेत की ताकि जी जो डेमे वगैरह ये जी ये बड़ीक हो सके। पास में जी खालू जान लगे हुए हैं, ये खालू जान का कया है तो काफ़ी ज़्यादा खालू जान ने लगा दिया। और इधर अल्हम्दुलिल्लाह जी घर वाले लगे हुए हैं, हम लोगों ने कम लगाया क्योंकि घर वाले जी अभी आए हैं। ये देखो जी उधर से इधर तक लगाया और अभी इतनी सी जगह रहती है लगाने वाली। तो इस जगह पर जी मैं लहसुन लगाता हूँ, ये जी मैंने अपना सामान ले लिया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर से शुरू करते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी इसी तरह सारा मैंने लहसुन लगाना जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर वाले भी इसी तरह जी लहसुन लगा रहे, आप लोग देख सकते हैं, ये चेक करो जी। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर खालू जान भी लग गया जी लहसुन लगाने के लिए, इधर आधार से जी आप लोग देख सकते हैं। खालू गोडी सही तरह पानी ठीक आ, अल्हम्दुलिल्लाह जी मिट्टी की खुदाई की जा रही है ताकि आसानी से लहसुन लग जाए और जो टेवे वगैरह है वो जी बड़ीक हो जाए जी। चेक करो जी, और इधर अल्हम्दुलिल्लाह सामने दादा जान भी आए हमारे साथ जी काम करवाने के लिए, ये आप लोग जी देख सकते हैं। इधर भी खुदाई की जा रही है जी, दादा जान भी खुदाई कर रहे हैं। सुट खालू गंढी। साहब जी अपने अपने काम लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन एक घंटा हम लोग इधर और रुकेंगे तो फिर जी लहसुन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जी लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर वाले उधर काम लगे हुए हैं तो मैं जाने लगा जी घर, खालू जाने भेजा कि जो खेत के किनारे है उधर जी मूलियों का बीज लगाना, तो अभी मैंने जी बाइक इधर बाइक से ले लिया। तो अभी चलते हैं घर और जाके जी मूलियों का बीज लेकर आते हैं और वो भी इधर लगा देते हैं वाटर वगैरह पर। बिस्मिल्लाह जी,
अल्हम्दुलिल्लाह जी, मूलियों का भी मैंने आप लोग देख सकती है, ये चेक करो जी। तो अभी लेके निकलता जी बाइक पर, मूलियों का भी मैंने ला दिया अल्हम्दुलिल्लाह जी, लहसुन मुकम्मल लगा दी गया आप लोग देख सकते हैं। तो अभी निकलता जी घर की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर वाले भी घर की तरफ निकल पड़े हैं। तो मैं अभी अपनी फार्चूनर पर जी जा रहा अभी घर की तरफ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर में थी एक चारपाई तो वो जी टूट चुकी है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि ये छोटी चारपाई थी। इस बार जी हम लोग जितने भी घर के बिस्तरे थे ये देखो जी, ये सारे इस पर रखते थे, तो ये जी टूट गया, ज़्यादा वजन डालने से आप लोग देख सकते हैं इधर से टूट गया। तो अभी लोहार भाई आएगा तो इसको जी ठीक कर देंगे। ये देखो जी अभी जो बिस्तरे वगैरह वो जी दूसरी चारपाई पर रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी आप लोग बकरियों की तरफ देखो जी, खुरली में बैठी हुई है तो धूप के नज़ारे जी ले रही है। ये चेक करो जी तीनों माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये चेक करो जी, धूप सेक रही है जी क्योंकि अभी सर्दी आ चुकी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी आप लोग देख सकते हैं कि हालत मेरी जी थोड़ी सी खराब है क्योंकि जी मैं काम लगा हुआ था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं पहुंचा जी हवेली गांव के पास, हमारी गांव को जी एक मसला हो गया। मसला ये है कि रात को जी हम लोग अपनी गाय अंदर बांध के गए, तो जब सुबह अबू जान जी अजान के टाइम जी चारा डालने आए तो गाँव को जी बाहर निकालने लगे, तो गाँव जी चल नहीं रही थी, मतलब कि इसके पाँव में जी कोई मसला हो गया था। तो हमने चेक किया तो हड्डी का कोई मसला है। और अब ये गाँव जी तकरीबन 20-22 दिन के बाद जी बच्चा भी देना, तो अब जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि गाँव ने बच्चा देना और इसके पाँव में जी कोई चोट वगैरह लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह की गाँव हमारी इधर ही खड़ी है ना, बैठ रही है ना चल रही है, तो ये वाला पाँव जी इधर कोई ना चोट वगैरह आ गया। ये चेक करो जी, हाथ भी नहीं लगाने दे रही क्योंकि इसको जी दर्द हो रही है। तो सुबह की ऐसे गाँव खड़ी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि गाँव जी सोने वाली है। तकरीबन 20 दिन के बाद जी इसने बेबी देना, तो पता नहीं इसको क्या हुआ। तो गाँव जी सुबह की ऐसे खड़ी है और इधर जी दर्द महसूस कर रही है, हाथ नहीं लगाने दे रही है। चेक करो जी, मैं पास जाऊँगा तो ये चेक कर रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अबू जान जी सिटी जॉब करते हैं, तो अभी तकरीबन 3 बज चुके हैं। तो 1 घंटे बाद जी अबू जान को जी दुकान से छुट्टी हो जाएगी। और मैंने अबू को कॉल की थी कि जब आप गाँव आए और साथ ही डॉक्टर को भी ले आए, ताकि हम लोग जी डॉक्टर को गाँव चेक करवा सके कि क्या मसला जी, अभी अभी हल कर लेते हैं, अगर कोई और मसला हुआ तो काम जी ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए जी शाम को अबू जान जी डॉक्टर को साथ ले आएंगे और जो भी दवाई और देनी होगी डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह जी गाँव को दे देंगे। तो आप ये देखो जी गाँव सुबह की ऐसे जी खड़ी हम, ये चेक करो जी जो भी आप पानी इधर खाना इधर खा रही है जी, अंदर के ना किया हम लोगों ने। इधर जी धूप भी थी 10 बजे तो इधर ही खड़ी रही, ये चल नहीं रही। मैं अभी आठ साथ खोल के दिखाता हूँ तो नहीं चलेगी, ये देखना जी। ये देखो जी उधर ही खड़ी है, पाँव नहीं उठा रही जी है, नहीं जी पाँव आगे वाला नहीं उठा रही है। चेक करो जी, तो अभी बांध देते हैं। तो शाम को जी डॉक्टर आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चेक कर लेगा। तो आज का व्लॉग जी इधर ही करते हैं खत्म, और मुझे कमेंट में लाजमी बताने का आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बैल के बटन दबा दे ताकि मैं नए आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुक्रिया। और जी हमारी गाँव के लिए दुआ करना ताकि ये ठीक हो जाए जी जल्द से जल्द, क्योंकि इसने जी बेबी देना माशाल्लाह जी।